कहते हैं अपराधी कितने ही शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। ताज़ा मामला बलियापुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर पंचायत के कादा कुली में महिलाओं को जलाकर हत्या कर देने वाले मामले को बलियापुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि 10 जून को मृतक विवाहिता के परिवार वालों ने योजना के तहत गला घोटने के बाद शव को जलाने और साक्ष्य छुपाते हुए घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने बलियापुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के निर्देश पर सिंदरी डीएसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित हुई, जिसके बाद इस घटना में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एक फरार है जिसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। गिरफ्तार लोगों ने पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना मृतक विवाहिता के पूर्व में चल रहे अवैध संबंध के कारण हत्या की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज चुकी है और फरार एक अपराधी की तलाश में जुट गई है। बलियापुर पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। क्या कुछ मामला है मैडम जिसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? वीर सिंहपुर पंचायत अंतर्गत एक विवाहिता को आग से जला करके मार देने का कांड एक हमारे यहाँ दर्ज हुआ था, उसी को लेकर के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के द्वारा एक हम लोग दिशा निर्देश पर एक डीएसपी सर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें हम लोग इसका अनुसंधान किया और अनुसंधान के अंतर्गत सामने ये बात आई कि मृतिका की जो थी सो संजय करमकार के साथ पूर्व में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस पूर्व प्रेम प्रसंग का मामला को लेकर के पंचायती सामाजिक तौर पर पंचायती भी हुआ था, जिस और एवं मृतिका के आरोपी लोग का कहना है कि वो सभी पे आरोप लगाते रहते थे कि हमको गलत नियत से लोग देखता है, तो इन लोगों ने इज्जत प्रतिष्ठा की बात को देखते हुए इन लोग एक योजना बनाया कि इस महिला को क्यों नहीं हम लोग रास्ता से हटा दें। रास्ता से हटाने के लिए मृतिका के पति पर शंकर कर्मकार के द्वारा दबाव बनाया गया कि तुम्हारी पत्नी कुलक्षणी है एवं चरित्रहीन है, कभी भी किसी घटना को अंजाम दे सकती है, हम किसी के साथ भाग सकती है, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना सही होगा, जिसमें इसका पति मृतिका के पति देवेन कर्मकार हामी भर दिए और इन लोग घटना का अंजाम जिस दिन घटना हुई उस दिन जब मृतिका सो गई थी तो इसका पति के द्वारा अन्य आरोपी लोगों को सूचना दिया गया एवं सभी लोग आए और सुव्यवस्थित तरीके से इसको तकिया से गला दबा दिए एवं इसके गला दबा दिए और गला दबाने के बाद जब महिला मृत हो गई तो उसको बॉडी को लेकर के बगल में स्कूल है उस स्कूल के रसोईया में ले जा करके बॉडी को जलाया गया। बॉडी को जलने के पश्चात तो फिर उसको ला करके बेडरूम में रखा गया ताकि और फिर वहाँ छोटा छोटा कपड़ा को हल्का किरोसिन तेल डाल करके जलाया गया ताकि लोगों को लगे कि ये आत्महत्या जलने के क्रम में इधर उधर जला। और इसका मुख्य ये है संजय कर्मकार जो है सो जब उसको सूचना मिला कि इन लोग प्लानिंग कर लिया उसका हत्या का तो उन्होंने भी लोगों को प्रलोभन दिया कि अगर हत्या कर दोगे तो 1,00,000 रुपया हम लोग देंगे, मैं 1,00,000 रुपया दूंगा। संजय कर्मकार बिरसिंहपुर रामू कर्मकार का दामाद जो बोकारो चंदन क्यारी का रहने वाला, उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया देंगे जिसमें 25,000 रुपया अग्रिम राशि के रूप में दिया गया था, जिसमें दीपक कर्मकार के द्वारा बताया गया कि 15,000 रुपया मैं खर्च कर दिया हूँ और 10,000